बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जैसा कि आपको पता है कि इटली में लॉकडाउन इस वक्त ओपन हो गया है, तो इटली की रौनकें इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वापस आ रही हैं। अभी जो इटली में इस वक्त जो लॉकडाउन ओपन हुआ है, इस वक्त यहाँ पर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वो ओपन हुए हैं, उसके बाद जो इधर फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो ओपन हो गई हैं। तो लोगों के लिए वैसा ही लॉकडाउन है, लेकिन इसमें ये एक अच्छी बात है कि आप अपने जो आपके जो शहर के जो पार्क हैं वहाँ पे आप विजिट के लिए जा सकते हो, आप वर्जिश के लिए जा सकते हो। पहले से काफ़ी नरमी आ गई लॉकडाउन में इंशाल्लाह, और 10 से 15 दिन में यहाँ पे लॉकडाउन मुकम्मल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इटली के हालात भी काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो आज फिर हम जाएँगे मार्केट में शॉपिंग के लिए, तो हमें कैंप वालों की तर्फ़ से ये मिल गई हैं, जो ये पर्चियाँ हैं ये जो हमें कैंप वालों की तरफ से मिलती हैं। इस पर हम खाने पीने का सामान लाते हैं, जो एक इसको बोलते हैं रेस्टोरेंट टिकट। ये जो एक टिकट है ये है 50 यूरो की। तो हम चार लड़के हैं, तो हमें हर 10 दिन बाद 50 यूरो की ये टिकट दी जाती है। ये आज हमें 10 दिन की एडवांस दिए गए हैं, जो आने वाले 10 दिन नेक्स्ट हैं उनकी भी हमें इकट्ठी दिए गए हैं रमज़ान की वजह से, क्योंकि ईद भी आने वाली है शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये कितनी है मेरे पास। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये है जी रेस्टोरेंट टिकट जो हमें कैंप की तरफ से मिलती है। इस पर हम खाने पीने का सामान ले सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे मार्केट में सामान अफ्तारी के लिए सामान खरीदने के लिए, और जो ईद का सामान है वो भी हम आज ही लेकर आएंगे, क्योंकि हमें एडवांस जो 8 टिकटें हैं जो मिल गई हैं, जो अगली 4 टिकटें हैं वो भी हमें मिल गई हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। जी हाँ जी, कैंप के मोजे लगी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जाएंगे तो लेके आएंगे सामान वगैरह शॉपिंग करने के लिए। तो अभी बाहर जाके आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हम बाहर आ गए हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं, हम बस स्टॉप पे अभी बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगी तो यहाँ से निकलेंगे। ये बाहर का व्यू देखो, लॉकडाउन अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन इस वक्त ओपन हो गया। बोला कितने बजे आनी है बस? बस अभी आएगी, ये बोर्ड लगा हुआ है, बताते हैं आपको कि बस कितने बजे आनी है। 12:40 12:39 पे आनी है, देख सकते हो आप, आपको नजर आ रहा होगा 12:39 पे बस आएगी। हेलो, तो अभी बस का वेट करते हैं जी। फ्रेंड, थोड़ा व्यू बाहर का व्यू देख लो, थोड़ा थोड़ा बाहर का आपको व्यू दिखा दें। ये मेरे घर के बाहर का व्यू है जी। ये हो गया जी बस स्टॉप, बस का भी वेट हो रहा है, देखो बस किस टाइम आती है। बस अभी आता है स्क्रीन पे शो, तब बताते हैं आपको। 12:47 पे आनी है जी। लॉकडाउन में काफ़ी नरमी हो गई, आगे से अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम काफ़ी अच्छा हो गया। लो फ्रेंड, हम बस में पहुंच गए हैं, अभी जा रहे हैं मार्केट के लिए। लो जी, बाहर का व्यूज देखो सारे। मौसम बहुत प्यारा है जी, आज बारिश का मौसम बना हुआ है।
जी फ्रेंड हम अब दूसरे बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, अब वहाँ से दूसरी बस पकड़ेंगे। ये हमारे साथ है हमारे उमर भाई, आज हम ईद की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। ईद है बहुत दूर है भाई, ईद आ गई है ना, पास ही है ना, कितने दिन रह गए हैं यार, 13-14 दिन रह गए हैं, तो इसलिए सोचा ईद की शॉपिंग पहले ही कर रहे हैं, ईद के लिए सामान वगैरह ले आए। अभी हम दूसरे बस स्टॉप पे आ रहे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं बस का, दूसरी बस का वेट कर रहे हैं। ये बस स्टॉप है जी, देख सकते हैं आप, कितने बजे आनी है अमेर भाई बस, कितने बजे आएगी? 12:52 पे आएगी, 12:52 पे आएगी, 12:52 पे बस आनी है, तो उसका वेट कर रहे हैं अभी, तो फिर जाएंगे निकलेंगे यहाँ से, फिर मार्केट के लिए निकलेंगे, वहाँ से खरीदो फरोख करेंगे। अभी बस का वेट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन का अभी निज़ाम यहाँ पे अच्छा हो गया, लॉकडाउन में काफ़ी नरमी हो गई है, 19 या 20 तारीख तक इंशाल्लाह मुकम्मल जो लॉकडाउन है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि इटली के हालात अभी आगे से काफ़ी बेहतर हो गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन 10-15 दिनों के अंदर अंदर इटली है जो कम्प्लीटली जो कोरोना वायरस से ठीक हो जाएगा और यहाँ पे लॉकडाउन मुकम्मल कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। तो मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बारिश का मौसम है, वैसे तो इधर इस वक्त इटली में गर्मी हो गई है, तो अब दिन को जब धूप होती है तो गर्मी लगती है, तो अभी आज बारिश का मौसम बना हुआ है, इसलिए मौसम बहुत ही अच्छा है। लो फ्रेंड जी, पार्क का व्यू भी देख लें, पार्क का व्यू दिखा दें, ये जो इनका बना हुआ है पुराने दौर का जो देख सकते हैं आप, इस शहर में पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें हैं। पार्क में इस वक्त बहुत कम बंदे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, वैसे इजाज़त है पार्क में आप घूम सकते हैं शाम को विजिट के लिए। पार्क का सोचा, पार्क का व्यूज भी आपको दिखाया जाए, माशाल्लाह मौसम बुखार है, ज़बरदस्त इंतजाम हो गया। ये जोड़ी तक ही खलोती है, जोड़ी देखें यहाँ पे खड़ी है, लो फ्रेंड जी हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई है कंप्लीट, मार्केट के अंदर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि वहाँ की वीडियो में मार्केट के अंदर वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब चीज़ें खरीदनी थी जिसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाया, तो ये हमने सामान वगैरह ये सारा सामान खरीद लिया जी, देखो सारा सामान हमने खरीद लिया है इफ्तारी का, मार्केट के अंदर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल ऐसी थी कि वहाँ पे सामान जल्दी जल्दी खरीदना था, तो अभी हम दोबारा बस स्टेशन पर आ गए हैं सामान खरीद कर, तो अभी हम वेट कर रहे हैं जी, अभी हम वेट कर रहे हैं उसका बस का वेट कर रहे हैं। मेहर भाई बस कितने बजे आनी है? बस आनी है यार 50 मिनट। कितने बजे बस आनी है? 50 मिनट पे बस आएगी, तो अभी टाइम क्या हो गया, अभी टाइम 2:41 रह गए बस को आने को, फिर बस आएगी, फिर घर की गाड़ी पकड़ेंगे तो निकल जाएंगे घर के लिए, रवाना हो जाएंगे। ये थी जी आज की हमारी शॉपिंग, तो अभी हो गई है फिनिश, तो आप तब के लिए खुदा हाफिज़, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अपने हर के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।